Yo, what's up guys? क्या हाल चाल? Good evening and I don't know, good morning, good evening. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी हो रहा होगा, आप सबको मेरी तरफ से a warm welcome to this video. And हम लोग आज, I don't know कितना दिन है हमारा आज दुबई में, I think 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं. हम लोग आज जाने वाले हैं गोल्फ खेलने तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ. बट एनीवेज, साइड बाय साइड ना मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सारा गेम दिखा सकूँ, सारी चीजें मैं दिखा सकूँ. और ऑल्दो मैंने पहले कभी गोल्फ खेला नहीं है, सो मुझे बिल्कुल भी गोल्फ के बारे में 0% नॉलेज है, लिटरली 0% नॉलेज है. उसके क्या पॉइंट्स होते हैं, किसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, सिर्फ मुझे इतना पता है कि छोटी सी बॉल को मारना होता है कुत्ते की तरह. तो वो हम करेंगे डेफिनेटली. एंड या देखते हैं. By the way guys, मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ एंड शूज पहनने बाकी है, बाकी सब तो मैं रेडी हो चुका हूँ. सो फटाफट निकलते हैं. और by the way, मैंने guys, अभी हम लोगों ने रूम चेंज किया हुआ है. ऑल्दो रूम हमारा सेम ही है, जो इंटीरियर था वो एकदम सेम है, बट हम लोग पहले रुके हुए थे 27th फ्लोर पे, अभी हम लोग रुके हुए 10th फ्लोर पे, बिकॉज हमने प्लान किया था 10 दिन का एंड अभी एक्सटेंड हो चुका बिकॉज मैं कुछ काम में थोड़ा सा आ गया था एंड वो काम करना जरूरी था, अदरवाइज वो काम मुझे फिर दोबारा आगे करना पड़ता, देन दोबारा से टिकट, दोबारा से स्टे, सो अलग खर्चा बढ़ जाता. तो हमने 3-4 दिन एक्सटेंड कर दिया एंड वो 3-4 दिन के लिए हमने सेम बिल्डिंग में, सेम होटल अपार्टमेंट में हमने एक 10th फ्लोर पे एक अपार्टमेंट ले लिया है. सो 3-4 दिन के लिए. सो वही है, सेम बालकनी, सेम व्यू, सब कुछ सेम है, बस 27th फ्लोर से हम 10th फ्लोर पे आ गए, इतना डिफरेंस है. सो एंजॉय करो थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स एंड मिलते हैं बहुत जल्दी गोल्फ एरिया में. लाइक बटन दबाओ अभी के अभी. फाइनली आ चुके हैं, ये इस प्लेस का नाम है टॉप गोल्फ. एंड एक गलती हुई, पता है क्या, कि मैंने कल पहना था ब्लैक टी शर्ट और आज दूसरे कपड़े पहन लिए, तो आप सोचोगे कि यार पहले दिन अलग कपड़े शुरुआत की, नेक्स्ट डे अलग कपड़े शुरुआत की. सीन ऐसा हो गया कि कल जो प्लान था वो कैंसिल हो गया और आज का प्लान वापस हमारा स्टार्ट हो गया. सो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं गोल्फ. वैसे आता बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो भी होगा ट्राई कर लेंगे. चलो
और गाइस तो ये था पूरा हमारा गोल्फ एक्सपीरियंस एंड जिंदगी में पहली बार गोल्फ खेला है मैंने। जो फील्ड गोल्फ खेलते हैं वो तो खैर नेक्स्ट लेवल है, ये भी थोड़ा बहुत अच्छे से ही था, बट वही है ना कि बॉल में एक सेंसर होता है जो डिटरमाइन करता है कि आपकी स्पीड कितनी बॉल की, कितना दूर जाके किस नेट पर कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं। मेरे पूरे हाथ लाल लाल हो चुके हैं। सो अभी फिलहाल खत्म करते हैं और डिनर के लिए चलते हैं। हो सकता है मैं आपको कुछ आउट शॉट्स वगैरह दिखाऊंगा कि लाइक कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे, क्या कर रहे हैं। बट हाँ, बैडमिंटन कोच का कैसा लगा आपको वीडियो एंड गोल्फ कैसा था, पहले आप लोगों ने खेला है नहीं खेला है वो सब आप मुझे बता सकते हो। और अगर आप दुबई में रहते हो तो टॉप गोल्फ विजिट करो, मजा आएगा। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि हम लोग कहाँ खड़े हुए थे एंड जब आप वहां से शॉट मारते हो तो बॉल्स कहाँ पे आती है। ठीक है, सर, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, ये देखो, ये यहाँ पे एक्चुअली में ये होल्स है टेक्निकली जो होते हैं गोल्फ खेलते वक्त, तो उन्होंने बहुत बड़े होल्स बना रखे क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, आप इतने छोटे उनमें कैसे मारोगे ना इतने दूर से। एंड ये देखो, ये पूरा स्टेडियम जैसा जो दिख रहा है यहाँ पे खड़े होकर लोग खेलते हैं। सो बेसिकली दिस वन इज एकदम लोअर ग्राउंड, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है एंड ये जो है दिस इज फर्स्ट फ्लोर। तो हम लोग एकदम टॉप पे थे, तो बेसिकली हम लोग थर्ड फ्लोर ग्राउंड के, तो हम लोग थर्ड फ्लोर पे थे एंड वहां से जब आप ये देखो यहाँ पे बॉल आई है, कुछ बॉल्स यहाँ पड़ी हुई है, तो वहां से जब आप शॉट मारते हो ना तो सोचो यहाँ तक आती है, यहाँ तक बॉल, इतनी सारी बॉल पड़ी हुई है यहाँ पे। सो यार काफी फैंटास्टिक है एंड मजेदार भी है।